हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं रीजनिंग से टॉपिक स्टार्ट करवाने वाली हूँ, सिलॉगिज्म। इससे पहले सिर्फ मैंने ये बताया था कि पज़ल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ब्लड रिलेशन करवाया है। अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिलॉगिज़म्स। अब इसमें है क्या, हमने सबने बचपन में मैथ्स तो पढ़ा ही है, तो उसमें हमने वेन डायग्राम किया था, तो हम वैसे ही जो है इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे। और उससे क्या होगा, जो कॉन्क्लूजन इसमें हमें दिए होते हैं एग्ज़ाम में, क्या होगा, हमें स्टेटमेंट दी होगी और स्टेटमेंट के बाद हमें दिया होगा कॉन्क्लूजन। मैक्सिमम टाइम पे यही होता है, अगर पेपर का लेवल हाई है तो कभी कभार ऐसा होता है, जैसे पीओ का मेंस वगैरह हो गया, तब क्या होता है कि कॉन्क्लूजन दी होगी, आपको स्टेटमेंट बतानी होती है, बट वो बहुत रेयर ही देखने को मिलेगा प्रीलिम्स वगैरह में, तो क्लर्क में तो वैसे ही नहीं आता है। ठीक है, तो जो बेसिक है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम बनाते कैसे हैं ये डायग्राम। इजी है, बहुत इजी टॉपिक है और ये आता भी है, तो करना तो है ही है, तो इसलिए बेटर है कि अच्छे मन से करें और इजी सोच करके ही करें। अगर इजी सोचते हैं तभी वो चीज़ इजी लगती है, पहले ही डर बिठा लेंगे तो समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं है ये, बस आपको फोकस के साथ पढ़ना होगा। अगर ध्यान है तो आपके लिए सब इजी है, मैं हमेशा ये कहती हूँ। तो अब इसमें क्या है, जैसे आपने स्टेटमेंट देखनी है, आपको स्टेटमेंट में क्या होगा ना, ये मैंने ए और बी लिए हुए हैं, बट स्टेटमेंट में कुछ भी इसकी जगह लिखा हो सकता है। ए भी तो नहीं लिखा होता है वैसे, लिखे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मैक्सिमम टाइम पे क्या होगा, जैसे ट्रीज हो गया, लीव्स हो गया, मतलब थिंग्स वगैरह का नाम होता है। ठीक है, तो बस आपने देखना क्या है, ये जो लिखा है, ऑल लिखा है, सम लिखा है या नो लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट ऑल ए आर बी, इसका मतलब हिंदी में अगर मैंने कहा है कि हर चीज़ हिंदी में कन्वर्ट करके बहुत ईजी होती है, अगर आपको हिंदी आती है तो आप बहुत आसानी से हर चीज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या है, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश अगर आपको क्लियर नहीं है तो इंग्लिश से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर इंग्लिश ही बहुत स्ट्रांग है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, ऑल ए आर बी, अब इसका मतलब क्या है, सारे ए क्या है, बी। तो हम क्या करेंगे, ये हमने बड़ा वाला जो बनाया वो बी बनाया, और उसके अंदर हमने छोटा सर्कल बनाया ए, बनाने सर्कल ही है। ठीक है, वहाँ पे ये तो है नहीं कि एग्जैक्ट सर्कल बनाने हैं कुछ, मतलब इन शॉर्ट आपको समझ में आना चाहिए कि बी के अंदर हमारे सारे के सारे ए कंटेन है। अब ए या बी वो कुछ भी लिख सकते हैं, जब हम करेंगे क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सम लिखा होगा कि सम ए आर बी, इसका मतलब कुछ, सम का मतलब कुछ होता है ना, तो कुछ ए क्या है, बी। तो हमने ये जो डायग्राम है ये सम का होता है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो आपको दिख रहा है कॉमन एरिया, ठीक है, ये क्या है, वो ए जो कि बी भी है, है ना, यानी कुछ पार्ट जो है ए का क्या है, बी में आ रहा है, यही मतलब हुआ इसका। और अगर लिखा है कि नो ए इज़ बी, इसका मतलब कोई भी ए, कोई भी ए का मतलब ए का कुछ भी ज़रा सा भी पार्ट बी नहीं है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दूर दूर किया और कोई इनका लिंक नहीं है, कोई पार्ट ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, ये ओवरलैपिंग होती है ना, ये भी ओवरलैपिंग है थोड़ा पार्ट, तो जितना ओवरलैपिंग हो रहा है वो मीनिंग दे रहा है जो हमारी स्टेटमेंट है उसकी। तो अब हमारा क्वेश्चन देखिए कैसे होते हैं, वहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट दी होती है और ऐसे कंक्लूजन दिए होते हैं, चार या पांच दिए होते हैं, तो आपको बताना होता है कि कौन सा सही होगा। ये तो मैंने इकट्ठे लिख दिए, वो क्या करते हैं ऐसे स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद ये भी लिख देंगे कि वन एंड टू फॉलो, या वन टू थ्री फॉलो, या फोर्थ फॉलो, ऐसे आपको पता है, आपने अगर क्वेश्चन किए होंगे, ये बहुत इंग्लिश में भी होता है ऐसा। तो आपने मेन क्या है, अगर आपको ये आता है कि ये सही है, ये सही है, वो तो आप कर ही लोगे, है ना। तो इसमें देखो क्या दिया है, सम बॉक्सेस आर पेंस, तो हम वैसे ही बनाएंगे, सम वाला क्या है, इस टाइप का, है ना। तो हमने ये लिया बी और ये देखो पहली बात, वहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप पूरा बॉक्सेस लिखो, पूरा पेंस लिखो, सारा टाइम चला जाना है, 20 मिनट होते हैं प्रीलिम्स में। तो आपने क्या करना है, बस ऐसे सर्कल बनाया, फटाफट बी लिखा, बी किसके लिए है, बॉक्स के लिए। अगर एक और वर्ड आपको बी से मिल जाता है तो आप क्या करो, उसका सेकेंड अल्फ़ाबेट भी उठा लीजिए, ताकि आपके माइंड को क्लियर होना चाहिए कि ये जो बी बनाया है वो बॉक्स के लिए है, दूसरा जो बनाओगे वो किसी और के लिए। अगर नहीं आपका माइंड याद रखता तो थोड़ा ऐसा लिख लीजिए, जैसे सपोज अगर यहाँ पेंस की जगह कोई और वर्ड होता बी से, बॉल होती, तो हम मैं क्या कर लेती कि बॉक्स के लिए बी ओ लिख लेती, बॉल के लिए बी ए लिख लेती, तो हमें पता लग जाता कि कौन सा बी किसके लिए है ना। तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स, सम बॉक्स आर क्या है, पेंस, तो ये सम वाला बनाया। उसके बाद ऑल डॉग्स आर पेंस, यानी सारे डॉग्स क्या है, पेन। और इसमें ये नहीं होता कि मीनिंग इसका जो है एक्चुअल, जो अब असली में तो सारे डॉग्स पेन नहीं होते, बस ऐसे ही है,
आपकी जो रीजनिंग कैपेबिलिटी है वो चेक करने के लिए। तो इसमें क्या है, कोई लॉजिक नहीं है, बस मतलब ये मीनिंग नहीं देता है फैक्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारा सच है वो बोलते भी हैं ऊपर कि लिखा होता है स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम पे ये लिखी जाती है, तो वो पढ़ के ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना होता टाइम, बस एक बार देख लेना होता है। हाईलाइटिंग में ये ज़रूर देखने लेना होता है कि हमें जो आंसर देना है वो ट्रू वाला देना है या फॉल्स। कभी कभार वो क्या करते हैं, ट्रिक कर देते हैं, खेल खेल जाते हैं, ये बोलते हैं ऊपर हेडिंग में कि चूज़ द वन जो कि फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा होता तीन फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या ऑप्शन चूज़ करना था एक्चुअल में, फोर्थ, कि वो फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसा भी होता है, बट अभी मेन जो हम बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं उस पर ध्यान रखते हैं। तो हमने क्या किया, ऑल डॉग्स आर पेंस, तो हमने ये जो पेंस थे उसके अंदर स्मॉल सर्कल बना के डॉग्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है, सारे के सारे डॉग्स पेन के अंदर आ रहे हैं, है ना, यही मतलब है। तो अब कंक्लूजन में देखिए क्या बोल रहे हैं, सम पेंस आर बॉक्सेस। तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस चेक करना होता है कि जो डायग्राम आपने बनाया है उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो सम पेंस आर बॉक्सेस मतलब कुछ पेन कुछ बॉक्सेस हैं, यस हमें पता है, इसी स्टेटमेंट का तो उल्टा है ये, तो ये ट्रू है। ऑल पेंस आर डॉग्स, ये भी इसका क्या है, उल्टा ही है एक तरीके से। कि देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आप देखिए ऑल पेंस आर डॉग्स हमें नहीं दिख रहा है ना, लेकिन ये हमने एक पॉसिबिलिटी बनाई है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि ये जो डॉग का सर्कल है वो इसी के सर्कल के जितना हो, उसमें भी तो यही चीज़ होगी कि ऑल डॉग्स आर पेंस, तो यानी ये जो है ये ट्रू हो सकता है, है ना। तो इसमें आपने क्या, आप क्या करोगे, इसको सही मानोगे कि ये यस ये हो सकता है ना। उसके बाद क्या है, सम पेंस आर डॉग्स, उसके बाद इसमें क्या बोला, कुछ पेंस क्या हैं, डॉग्स हैं। तो हमें पता है कि यस सम भी, देखो ऑल अगर ट्रू है तो सम ट्रू होता ही है उस स्टेटमेंट के लिए, है ना। हमें पता है कि सारे के सारे अगर इसमें आ रहे हैं तो आपको पता है कि पेंस इस डॉग्स वाले सर्कल में भी तो पेंस हैं ना, तो इसका मतलब कुछ पेंस डॉग्स हैं, ये भी ट्रू है। आगे क्या है, ऑल बॉक्सेस आर पेंस, यानी सारे बॉक्स पेन हैं, ये ट्रू नहीं है, है ना। ये ना मैंने ये भी चीज़ गलत कर दी, इसमें क्या करना था, अगर यहाँ पे लिखा होता ना इस पॉसिबिलिटी तो ये चीज़ ट्रू थी, ये फॉल्स ही है, ठीक है, कि ऑल पेन्स आर डॉग्स हमें नहीं पता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो हमने इसको ट्रू नहीं मानना है। जैसे कि हमने इसको नहीं माना है ना, पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती थी कि ऑल बॉक्सेज आर पेन्स, तो ये फॉल्स ही होगा, ठीक है। जो चीज़ आपने डायग्राम बनाया है अगर उस हिसाब से, मतलब डायग्राम आपने इसके हिसाब से बनाया, तो अगर उस हिसाब से ये स्टेटमेंट जा रही है सही, सही का मतलब कि पक्का आपको दिख रहा है तो ट्रू। अगर आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, तो अगर आगे लिखा हो पॉसिबिलिटी इज पॉसिबिलिटी, इस पूरे स्टेटमेंट के आगे इज पॉसिबिलिटी, तब वो चीज़ ट्रू है, अदरवाइज नहीं। हम करेंगे आगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब जैसे इसमें क्या है, सम बॉयज़ आर गर्ल्स, तो सम बॉयज़ आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर क्यूट, तो हमने क्या किया, सम वाला बनाया और गर्ल्स के बाहर एक और सर्कल बना के क्यूट वाला बना दिया। अब इसका मतलब यही हो ना कि सारी गर्ल्स क्यूट हैं, है ना। उसके बाद सम बॉयज़ आर क्यूट, तो हमें पता है ये रहा बॉयज़ ये रहा गर्ल्स, ओवरलैपिंग हमें मिल रही है, कुछ एरिया कॉमन है, ये सही है। सम का मतलब यही तो हुआ कि कुछ बॉयज़ ये रहे, कुछ बॉयज़ जो कि क्या है, क्यूट हैं, ये क्यूट। देखिए अगर लिखा होता सम बॉयज़ आर गर्ल्स, तो ये अगर बॉयज़ और गर्ल्स का भी बोलता कि सम बॉयज़ आर गर्ल्स, तो भी ट्रू था, क्योंकि हमें पता है कुछ बॉयज़ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ यही वाले जो हैं क्यूट भी हैं, तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद नो बॉयज़ आर क्यूट, इसका मतलब ये जो बॉय हैं, ठीक है, कोई भी बॉय क्यूट नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हमने अभी तो देखा, ये हमारे डायग्राम बता रहा है कि कुछ बॉयज़ डेफिनेटली क्यूट हैं ही हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। उसके बाद सम क्यूट आर गर्ल्स, तो इसमें क्या है, ये रहा हमारा क्यूट वाला पूरा सर्कल और ये रहा छोटा वाला गर्ल्स, तो हमें पता है कि यस कुछ क्यूट, ये रहे ना क्यूट, कुछ क्यूट गर्ल्स भी हैं। जो ये क्यूट है ये पूरा सर्कल है ना, तो उसके अंदर यहाँ पे भी तो क्यूट है ही है, तो आपको पता है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही हो कि ये सम क्यूट आर गर्ल्स भी सही है। उसके बाद नो क्यूट आर गर्ल्स, अब हमें पता है कि सम अगर सही है तो नो ऑटोमेटिकली फॉल्स ही होगा, इसका मतलब क्या कि कोई क्यूट गर्ल्स नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है, हमने बनाया ही ऐसा है जिसका मतलब ये वाला बन रहा है, तो ये चीज़ अपने आप ही फॉल्स हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
दैट सम स्टेट्स आर कैपिटल्स, ये डाउट लाइन वाले हैं कि हमने क्या बनाया है, वही सम वाला यही डायग्राम बनेगा. नो पेंस आर कैपिटल, तो मैंने कैपिटल से खींची लाइन, दूसरा सर्कल बनाया पेंस के लिए, क्रॉस किया. अब हमें ये जो मैंने बनाई है इसको बोलते हैं डाउट लाइन. डाउट लाइन का मतलब क्या है, इसका और इसके साथ जो रिलेशन है वो हमें नहीं पता. हो सकता है कि ये पूरा इसके अंदर कंटेंड हो, या हो सकता है कुछ चीज़ इनकी भी कॉमन हो, यानी इसका साथ भी. यहाँ पे भी तो पी बना सकती थी ना मैं, और क्रॉस यहाँ पे लगा सकती थी, तो इसका मतलब हमें इनके बीच का रिलेशन नहीं पता. इसको बोलते हैं डाउट लाइन क्रिएट होना. अब जैसे इन्होंने बोला सम स्टेट्स आर नॉट पेंस, सम स्टेट्स आर नॉट पेंस, ये ट्रू होगा. रीज़न अगेन देखिए, हमें पता है जो ये ट्रू क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एरिया है आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें एस भी तो है, बट ये एरिया इस सी के अंदर आ रहा है, और हमें पता है पूरा का पूरा सी पी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है, है ना. तो इसका मतलब ये इतना हिस्सा जो कि एस भी है वो भी पी के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहा है. इसका मतलब कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि पेंस डेफिनेटली नहीं है, तो ये चीज़ हो गई ट्रू. उसके बाद All states are pens. अब इसमें क्या है, All states ये रहे हमारे states, वो सारे pens हो सकते हैं नहीं, क्योंकि हमें पता है कुछ तो ऐसे definitely रहने वाले हैं जो pens हो ही नहीं सकते, तो ये चीज़ क्या हो गई, अपने आप ही cross. उसके बाद some pens are not state, ये रहे हमारे pens और ये रहे हमारे state, कुछ पेन स्टेट नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो हम इसको मान ही नहीं सकते सही. अगर आप सही नहीं मान सकते, पॉसिबिलिटी ये है, अगर इसके आगे लिखा होता है इस पॉसिबिलिटी तब ये ट्रू था, बट अदरवाइज़ हमें पता नहीं है ये है या नहीं ट्रू, तो हम इसको फॉल्स ही मानेंगे. तो ये हमारा हो गया फॉल्स. उसके बाद हमारा जो अगला है वो क्या कह रहे हैं, नो क्लाउड इज़ बर्ड. तो ये हमने पहले देखिए, आपको जो जहाँ से इजी लगे वहाँ से आप बनाइए, ठीक है. नो क्लाउड इज़ बर्ड, ये हमने क्लाउड बनाया, ये हमने बर्ड का बनाया, और बीच में कर दिया क्रॉस. सम गोट्स आर बर्ड्स, तो ये हमने सम का बनाया, जी और बी के बीच का रिलेशन. ऑल कार्स आर गोट्स, तो हमने गोट्स के अंदर क्या किया, कार के लिए एक सर्कल बना दिया, है ना. अब हमें पता है कि इस और इसके साथ में डाउट लाइन क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमें कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा. ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ सकता है, ठीक है ना. हमें तो इसके साथ क्रॉस कर रहे हैं ना, इस पूरे सर्कल को अगर मैं यहाँ बना भी दूँ, सपोज़ ये वाला क्लाउड अगर यही है, तो मैं यहाँ से ये क्रॉस लगा सकती हूँ कि इसका रिलेशन इसके साथ नहीं है, बट इसके साथ तो बन गया ना, तो ये हमें पता नहीं है, दिया नहीं है, ठीक है. तो हम कोई इसको अपने आप अज्यूम भी नहीं करने वाले, तो हम क्या बोलेंगे, नो कार इज़ क्लाउड, ये रही हमारी कार, ये रही क्लाउड. क्या हमें कोई रिलेशन पता है, नहीं पता, तो क्रॉस अपने आप ही क्रॉस, ठीक है. अगर यहाँ पे लिखा होता ना आगे नो कार इज़ क्लाउड इज़ अ पॉसिबिलिटी, तब वो चीज़ राइट होती. पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, संभावना. यस, संभावना है, ठीक है, बट हमें नहीं पता कि क्या चीज़ पक्का, इसलिए हम आँख बंद करके क्रॉस करते हैं. सम कार्स आर बर्ड्स, सम कार्स आर बर्ड्स, अब हमें ये चीज़ भी नहीं पता, है ना, संभावना है, तो हमने कर दिया फॉल्स. अब नो बर्ड इज़ कार, यानी कोई बर्ड कार नहीं है, ये भी हमें नहीं पता, संभावना है, तो क्रॉस. बट एक चीज़ देखिए, ये सम और नो का बन सकता है आइदर एंड और, सम और नो का बनता है, या ऑल और नो का भी बन जाता है. कैसे, ये देखिए कब बनेगा, जब ये चीज़ जो है सेम हो. कार्स और बर्ड्स के बीच का रिलेशन है, देखिए दो ही पॉसिबिलिटी थी इनके बीच में, या तो ये होता कि ये सारी कार्स इसके अंदर होती, या कुछ कार इसके अंदर होती, या दूसरा क्या रिलेशन है कि कोई भी कार इसके साथ कोई रिलेशन ना रखे, ऐसा क्रॉस वाला हो. मेन तो दो ही है ना, कि या तो कुछ तो एटलीस्ट मौजूद हो इसके साथ, यानी कि इसके साथ ऐसे सम वाला रिलेशन बनाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी बड़ी क्या है कि कुछ रिलेशन ना बनाए. तो इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी थी, तो आइदर और वहाँ लगता है. आइदर का मतलब या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है. अगर ये सही हुआ तो ये नहीं हो सकता, ये सही होगा तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब होता है आइदर और. तो ये चीज़ अगर आपको दिया होगा ऑप्शन में कि आइदर टू और थ्री, तो वो आपका क्या होगा, सही. उसके बाद सम क्लाउड्स आर गोड्स, तो ये है हमारे क्लाउड्स और ये हमारा, अगेन हमें कोई नहीं पता कि होगा नहीं होगा, तो हमने क्रॉस कर दिया. उसके बाद लास्ट क्या है, नो कैट्स आर पिग, नो कैट्स आर पिग, नो पिग आर टाइगर. अब हमें इनके बीच का रिलेशन नहीं पता, तो अब इन्होंने क्या बोला, नो टाइगर आर कैट, नो टाइगर आर कैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. येस, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, है ना. पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना है, हो सकता है कि इसका और इसका भी क्या बीच में आता हो, क्रॉस. हमें दिया नहीं हुआ ना, तो हम क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पॉसिबिलिटी ना लिखा होता तब वो चीज़ होती क्रॉस. मैं बार बार कह रही हूँ, बट पॉसिबिलिटी इन्होंने बोल दिया कि ऐसा संभावना है, तो वही चीज़ सच है, तो हम क्या बोलेंगे, सही. ऑल टाइगर्स आर कैट इज़ अ पॉसिबिलिटी,
ये सारे के सारे टाइगर कैट हो सकते हैं, यानी ये पूरा का पूरा सर्कल इस कैट के अंदर आ सकता है। यस, ये भी ट्रू है ना। ट्रू क्यों है? क्योंकि पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसलिए हमने ये दोनों चीज़ मैक्सिमम केसेस जो पॉसिबिलिटी वाले होते हैं वो सही ही होते हैं, बट फिर भी चेक तो ज़रूर करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो, और ईजी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल ईजी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और उससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, और इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक करवाया है। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।